नमस्कार, हम कस्टम डिपार्टमेंट से बोल रहे हैं। आपके नाम से एक पार्सल आया है और इस पार्सल में ड्रग्स मिला है, कई क्रेडिट कार्ड मिले हैं तो कई पासपोर्ट मिले हैं। क्या ये पार्सल आपका है? और यदि आपका है तो आप फंस चुके हैं डिजिटल अरेस्ट। सर जयपुर राजस्थान से ही। कभी मुंबई आए हो? नहीं सर, कभी आना नहीं होगा। जी सर, सर कोई आइडिया नहीं है सर। कौन आपके पास, किसको देख रहे हो? सर मैं कैमरे में ही देख रहा हूँ। आपको पता नहीं लग रही है, आपको सबसे ज्यादा नॉलेज होगी। नहीं सर, नॉलेज है लेकिन इस चीज का मुझे बिल्कुल नहीं पता कि ये आईडी और ये सारी चीजें ये कहाँ से क्या हुआ, मुझे कोई आइडिया नहीं। नहीं सर। जी हाँ, इस समय डिजिटल अरेस्ट एक ऐसा खेल बन गया है जो हर किसी के साथ खेला जा रहा है। अभी तक इस डिजिटल अरेस्ट के बारे में हमने सुना था, पढ़ा था, हमने कई सोशल साइट्स पर डिजिटल अरेस्ट के बारे में जानकारी भी ली, लेकिन द नगरी न्यूज पर पहली बार आप देखेंगे डिजिटल अरेस्ट का लाइव वीडियो, क्योंकि ये रिकॉर्ड किया है खुद द नगरी न्यूज ने, जब उनके ही एक कर्मचारी के पास डिजिटल अरेस्ट का फोन आया और किस तरीके से फिर दहशत का खेल खेला जाता है ये पूरा इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले वो नंबर आपको दिखाएंगे जिस नंबर से आपके पास एक मैसेज आएगा कि आपने एक ऑर्डर किया था और वो ऑर्डर कस्टम डिपार्टमेंट की ओर से कैंसिल कर दिया गया है क्योंकि उसमें कई अवांछित चीजें पाई गई हैं। ये मैसेज आपको लगभग उस फोन से 2 या 3 दिन पहले प्राप्त होगा, जिसके बाद आपका कहीं ना कहीं फोकस उस मैसेज पर होगा और जब कॉल आएगा तो आप फंस जाएंगे डिजिटल अरेस्ट। जी जी। ओके, सो आपने जो अपनी पढ़ाई कहाँ से कंप्लीट की? अपने ग्रेजुएशन कहाँ से कंप्लीट की? सर जयपुर राजस्थान से की। कभी मुंबई आए हो? नहीं सर, कभी आना नहीं होगा। नहीं सर। कई हजार वोटर में कभी अपनी आधार आईडी जो है सबमिट की होती? सर इन दिनों तो कभी नहीं करी, विधानसभा चुनाव में कई जगह रुके थे लेकिन उस समय का तो आईडिया नहीं। सर मेरा पूरा चैनल को हैंडल करना ही रहता है। पूरा चैनल आप हैंडल करते हैं? जी सर। ये सारे जो एम्प्लॉय हैं ये आपके नीचे हैं? बिल्कुल सर। ओके, कितने एम्प्लॉय हैं आपके चैनल? सर लगभग 15 एम्प्लॉय हैं। 15 एम्प्लॉय? जी। आप
8 किलोमीटर की दूरी पे है सर। 8 किलोमीटर जी। जी सर, सर कोई आइडिया नहीं है सर। पहली बार सुन रहे हो? हाँ जी। कौन आपके पास, किसको देख रहे हो? सर मैं कैमरे में ही देख रहा हूँ। जो भी बात है बताइए। सर कोई बात नहीं है, मैं आपको अगर ऐसा होता तो मैं आपको पहले ही बता देता, मैं कोई कॉल पे नहीं आता, मैं इसलिए कोई आइडिया नहीं। नहीं सर नॉलेज है, लेकिन इस चीज का मुझे बिल्कुल नहीं पता कि ये आईडी और ये सारी चीजें ये कहाँ से क्या हुआ, मुझे कोई आईडिया नहीं। ये तो करने के बता रहा हूँ किस लिए बैठे हैं जी। मुझे ये बताइए आपको पता है मनी लॉन्ड्रिंग क्या होती है? बड़े सॉरी नहीं सर, आईडिया नहीं। आप पत्रकार हो, आपको नहीं पता मनी लॉन्ड्रिंग क्या होती है राइट? नहीं सर। मनी लॉन्ड्रिंग इन द सेंस कन्वर्जेशन ऑफ मनी, ब्लैक मनी कन्वर्टेड टू व्हाइट मनी। अच्छा जी सर। No idea sir. SBI, ICICI, HDFC, Axis. Literally no idea. No, this account open with your knowledge or without your knowledge? नहीं, मेरे कोई नॉलेज नहीं है सर मुझे इस बारे में। आपके पास फोन है? कोई भी नहीं सर, कोई भी नहीं। सर कुछ भी मुझे आइडिया नहीं है इस बारे में, जो है मैंने आपको सारी डिटेल दे दी है, मेरे पास एक आज सुबह फोन आया है, उसके बाद में आपके पास जो मैंने बताया वही है सर। देखिए फोन आया है, उससे आपको ये हमारे पास आए थे ठीक है जी। ये हमारी में लास्ट दो मंथ में सारा पकड़े गए, आप देख सकते हो, चैनल भी देख सकते हो आप ठीक है। लास्ट दो मंथ में आप तो जानते थे आईसीसी चंदा कोचर को। किसको सर? आईसीसी सीईओ चंदा कोचर जी। नहीं सर। नहीं जानते आप किस चीज के पत्रकार हो, आपको यही पता नहीं है? सर राजस्थान का ही मेन रहता है तो इसलिए आइडिया नहीं है सर।
अच्छा और मोहम्मद सलाम अली को कभी नाम सुना आपने? नहीं सर। ये भी मनी लॉन्ड्रिंग जो है सस्पेक्ट है। जी ठीक है, ये मनी लॉन्ड्रिंग में जो है ये दिल्ली में है। जी ये जो है आप कभी नाम सुना है? देखिए जो भी बताइए बिल्कुल सच बताइए। ठीक है सर, बिल्कुल सच ही बता रहा हूँ जो भी चीज है। आप राजस्थान के हो, ये पूरे इंडिया में घूम जाएगा। जी अंडरस्टैंड? बिल्कुल। मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है सर, मेरा कोई बायोमेट्रिक नहीं गया, मैं कभी मुंबई नहीं गया और मुझे इस बारे में कोई आइडिया नहीं है सर। देखिए इस टाइम जो हमारे पास जो प्रूफ है ये सारा आपके जो लिस्ट में है। ठीक है, आपकी आईडी का यूज किया गया है हमारे फेडेक्स से। देखिए फेडेक्स में मेल किया, दूसरे हमें वीडियो आईडी किसने दी है? किसने? जी 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 मांगिए। जी ठीक है, ये कौन आ रहा आपके पास? कोई आईडिया नहीं सर। नहीं मेरे पास कोई नहीं आ रहा सर, मैं ऑफिस में बैठा हूँ तो गेट नॉक कर देते हैं, क्योंकि पता नहीं है ना कि अभी कोई नया एम्प्लॉय आता है तो वो। आपने पूरा वीडियो देखा, लगभग 8 मिनट के इस वीडियो में हमारे कर्मचारी के साथ दहशत का ऐसा एक माहौल बनाया कि वो इस जाल में फंसता ही गया। हालांकि ये पूरा वीडियो रिकॉर्ड हो रहा था, हमारे कर्मचारी ने ठीक वैसा ही व्यवहार किया जैसा कि वो डिजिटल अरेस्ट वाला प्रतिनिधि चाहता था। डर का उसको एहसास कराया कि मुझे डर लग रहा है, लेकिन इसके साथ ही जैसे ही हमारे कर्मचारी ने कहा कि प्रति महीने मुझे 10,000 रुपए का वेतन भुगतान होता है और इसके तुरंत बाद उस व्यक्ति द्वारा फोन काट दिया जाता है, और जब हमने दोबारा इस नंबर पर संपर्क करने की कोशिश की तो ये नंबर स्विच ऑफ आ रहा। देखिए डिजिटल अरेस्ट का आपने ये पूरा वीडियो देखा है, इसमें किस तरीके से डराया जाता है, माहौल आपने देखा कि वॉकी टॉकी पर बात हो रही है कि ये अभिजीत शर्मा है, इसका आधार नंबर ये है, इसका आधार नंबर कहां कहां एक्टिव है, तो बताया ये जा रहा है कि ये आधार नंबर पंजाब, हरियाणा, बलूचिस्तान, पाकिस्तान, कनाडा, यहां पर एक्टिव है। लाखों करोड़ों अरबों रुपए का लेन देन इस अकाउंट से और इस आधार नंबर से किया जा रहा है। बड़ी संख्या में एमडीए जैसा नामक ड्रग्स इसके नाम से तस्करी की जा रही है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग की जा रही है। किस तरीके से दहशत का ये माहौल बनाते हैं, इस दहशत के माहौल से हर कोई फंसता हुआ नजर आता है, लेकिन आपकी एक सजगता आपको इस डिजिटल अरेस्ट से बचा सकती है। आपने इस वीडियो को अगर नहीं देखा है तो दोबारा देखिए कि किस तरीके से हमारे कर्मचारी द्वारा हर बात पर ना की जा रही है। क्या आप कभी मुंबई आए हैं? मैं मुंबई नहीं आया हूं। क्या आप मनी लॉन्ड्रिंग जानते हैं? मैं मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में कुछ नहीं जानता। आपका वेतन कितना है? मेरा वेतन 10,000 रुपए है। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको इस डिजिटल अरेस्ट से बचा सकती है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज, इस डिजिटल अरेस्ट से बचने के लिए यदि आपके पास फोन आता है तो सबसे पहले उनको आपका नाम नहीं पता होता है, वो कुछ भी नाम ले लेंगे, अभिजीत लेंगे, नरेश लेंगे, सुरेश लेंगे। क्या मेरी बात सुरेश से हो रही है? तो आपका पहला रिप्लाई क्या आता है? नहीं, आपकी बात सुरेश से नहीं, ललित से हो रही है। जी हां, मुझे ललित से ही बात करनी है क्योंकि ये पार्सल ललित के नाम से आया है। तो ये डिजिटल अरेस्ट का लाइव वीडियो पहली बार आपने देखा, किस तरीके से ये लोग अपने जाल में फंसाते हैं, एक मोबाइल में आपको बंद करके रख देते हैं। इससे बचने के लिए आपको क्या करना है, ये सब कुछ भी इस वीडियो में है। इसलिए सजग रहें और ऐसे मैसेज और कॉल से अपने आप को और अपने परिवार को बचाइए। आप देखते रहिए द नगरी मीडिया, मैं हूं ललित वर्मा।